सोते समय 17 वर्षीय किशोरी को सांप ने काटा, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। परिजनों ने नागनागिन के जोड़ों को देखा था। शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र सुरवाया गांव में आज शनिवार को एक 11वीं कक्षा की छात्रा को नागनागिन के जोड़े में से एक ने काट लिया। परिजन छात्रा को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन छात्रा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने 17 वर्षीय बालिका की मौत के बाद मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कराया है। वहीं परिजनों के मुताबिक आज शनिवार की सुबह 17 वर्षीय नीलू गुर्जर घर के सामने में कमरे में पीछे पलंग पर सो रही थी, तभी सुबह 8:30 बजे लगभग नीलू को सांप ने काट लिया था। परिजनों के मुताबिक नीलू के पास नागनागिन को देखा गया था। सांप काटने के बाद मौके से चले गए थे। तबीयत बिगड़ते ही नीलू को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं नीलू की मौत के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मर कायम की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। पूरा नाम? प्रकाश सिंह गुर्जर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सुरवाया। सुरवाया, क्या घटना हुई? इसको सांप ने काट लिया। किसको, क्या नाम है इसका? इसका नीलू गुर्जर। कितनी उम्र होगी इसकी? 2007 का जन्म है, तो 17 साल 18। क्या कर रही थी ये? सो रही थी रात घर पे ही। हाँ, तो सर्प ने काट सर्प आ गया था। सर्प ने काट तो वहीं खत्म हो गई क्या? नहीं, वहाँ पे थोड़ा उसको घटाड़ा, सुबह जैसे देखा उसके बाद पता चला कि इसको सर्प ने उसे इशारा करके कि सर्प ने काटा है उसको। कहाँ काटा सर? पैर में, पैर में, दाहिने पैर में, पिंडली पैर। फिर उसको लेके यहाँ हॉस्पिटल आए, तो फिर पोस्टमार्टम के लिए मैंने बोला था, फिर मैं अभी लेडीज आई थी साथ में। नहीं, तो वो घर पे ही खत्म हो गई? हाँ, नहीं, रास्ते इधर आते रास्ते में खत्म हो गई। हाँ। कितने बजे की घटना होगी ये? घटना 8:45 बजे की है। ऐसी कौन पढ़ाई वढ़ाई करती थी? हाँ, पढ़ती थी, 10th किया इस बार, 11th किया। सांप देखा कैसे कलर? हाँ, सांप तो देखा है। कैसे कलर का? छोटा वाला जो कटरा, कौन सा बोलते हो? कटरगड़ा। दो या थे? अच्छा अच्छा, दो सर्प संग साथ। तो ये क्या नीचे सो रही थी क्या? पलंग? नहीं, पलंग पर थी बैठ कर।